अस्सलाम वालेकुम, अब तक की ताज़ा तरीन सूरतेहाल के साथ मैं हूँ इरा मलिक। सीनियर चेयरमैन स्टेयरिंग कमेटी बराए खजाना कैसर अहमद शेख की सीनियर प्रेस क्लब अहमद प्रेस क्लब में मीर दी प्रेस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। कैसर अहमद शेख ने हुकूमती माशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। एम एन ए कैसर अहमद शेख का कहना था कि मुल्क में माशी बहरान के हल के लिए किसी मुंतखब नुमाइंदे से मुशावरत नहीं हो रही, सिर्फ 3 या 4 अफराद माशी पॉलिसियाँ बना रहे हैं। माशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों के साथ मशावरत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म को कहा है, बगैर किसी प्रोटोकॉल ओहदा के माशियत की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए टैक्स लीक जो को रोकना होगा। मुल्क में 1.5 लाख सरकारी गाड़ियों को मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काबू ना पाया गया तो मुश्किल होगी। 12 मई को मेरी तकरीर है जो कि रिकॉर्ड की तकरीर है, 25 मिनट की तकरीर है। उस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल पर कोई तकरीर नहीं आ रही थी, सिर्फ इलेक्शनों की बात हो रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। तो उस वक्त 12 मई को मैंने 25 मिनट की तकरीर की जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है, और 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि हमारा जो मरीज है मईशत का वो वेंटिलेटर पे। हम उस जवान की शादी की बातें कर रहे हैं यानी इलेक्शन की, पहले उसको वेंटिलेटर से निकाल लो, जवान हो जाए। हालात उस वक्त से और ज़्यादा, ये कोई आज के हालात ख़राब नहीं है, क्योंकि शब्बर जैदी तो हमारा नहीं था ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तो नहीं था। शब्बर जैदी ने दिसंबर 21 में कह दिया था, मेरे से भी काफ़ी उसने पहले बात की थी कि 21 दिसंबर 21 में कि पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, हम वायबल नहीं रहे, हमने कर्जे ले 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 के। उसके लिए जी मैं आज ही जो कच्चे के, असल मेरा बहुत गहरा तल्लक है अपना सरदार नसरुल्लाह दरेशक से, उन्हीं का कच्चे का इलाका है, और मैंने आज उनसे तफसील से बात की और इस सिलसिले में इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। मैंने आज बड़ी, हमारे पास खुली कचहरी में कुछ 100, 200, 250 बंदा था, जब मैंने ये बात की है बड़ी तफसील से उनसे 15-20 मिनट मैंने टेलीफोन पे सरदार नसरुल्लाह, पहले भी जो मामलात हुए थे ना कच्चे से, उन्होंने ही कोई ना कोई जाके कोशिश की थी उस वक्त अपने दौर में ना। इस वक्त वो PTI के MLA थे, लेकिन मेरे जब ग्रुप था ना, जो मेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप था उसमें मेरे साथ वो थे, जो हम 97 में मेरे ग्रुप के साथ थे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, अल्लाह करेगा कोई ना कोई हल निकलेगा इसका।